안녕하세요, 저는 그레이스예요. 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 오늘도 업데이트를 해야 돼요. 업데이트하는 동안 어제 알려드렸던 이야기를 마저 해드릴게요. 죄송해요. 어떤 썰매를 만들었냐면 이런 썰매를 만들었지요. 계속 가기로 했죠. 저번 주 이야기를 좀 들려드릴게요. 영차. 영차, 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 영차. 우리 집으로 가자. 여기가 우리 집이요. 다시 해야 돼. 상관없이 계속 할게요. 네, 업데이트를 하고 있어요. 여기가 우리 집이야. 오, 그렇구나. 너기 얼음 있니? 이거 원래 내 침대야. 오, 미안해. 얼음 있니 혹시? 너네 집에? 얼음쯤이야. 갖다 줄수 있지. 야, 툭툭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 
기회 주세요. 띵. 네, 이렇게 끝났어요. 하늘, 천국에서 내려온 불이란 이야기 읽어드릴게요. दाऊद एक महान राजा बन गया था। तब उसके पुत्र सुलेमान ने राज्य किया। सुलेमान के मरने के बाद परमेश्वर के लोगों के बहुत बुरे राजा हुए। राजा अहाब सब बुरे राजाओं में से एक था। उसकी पत्नी ईजबेल झूठे देवता बाल की आराधना करती थी। देखते हैं।아주 나쁜 여왕이랑, 나쁜 이스라엘 왕이 나타났어요. 사람들을 엄청 힘든 일을 시켰어요. 이즈벨 ने अहाब और परमेश्वर के लोगों को भी बाल की आराधना के लिए कायल कर लिया। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने 7 सालों तक बारिश रोक दी। तब उसने उसके नबी एलिया को राजा अहाब के पास भेजा।
하고 다른 사신을 믿게 했어. परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघना की है और बाल की आराधना की है। एलिय्याह ने कहा, हर एक को बोल, बाल के नबियों को भी, कि वो मुझसे पहाड़ कर्मेल पर मिले। मैं प्रमाणित करूंगा कि किसका परमेश्वर सच्चा है।그래서 그 사람이 하나님 믿는 사람이 누가 진짜 신인지 하자고 했어요. 이따가 두 통통한 제사를 지내자고 했어요. 그래서 그 제사를 받은 하나님이 진짜 하나님이라는 것을 알려주기 위해 그렇게 하자고 했어요. 그래서 क्या राजा आप चाहता था कि इसराइली एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, हाँ या नहीं? हर कोई पहाड़ पर एकत्र हुआ। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, अपने मन में ठान लो, अगर प्रभु परमेश्वर है, उसके पीछे चलो। फिर भी अगर बाल आज स्वयं को प्रमाणित करता है तो उसके पीछे चलो।그래서 사람들은 모이기 시작했어요. 그래서 बछड़े को मारेंगे, इसे वेदी पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। तब जो परमेश्वर बछड़े को जलाने के लिए आग भेजेगा, वही सच्चा परमेश्वर है। ये तो तू सही चीज़ है। तेरे खाचो सो। 제사를 지내서 받아주는 하나님이 진짜 하나님이라고 했어요. 이번엔 또뭘 가져오라고 할까요? 나무떼기를 또 가져오는 사람. 또네.
फैसला करें और एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, सही या गलत? बाल के नबी पहले गए, उन्होंने पूरी सुबह बाल की प्रार्थना की, कोई आग नहीं आई, शायद बाल सो रहा है। इलिया हसा, जोर से आवाज लगाओ। इसलिए बाल के नबियों ने दोपहर तक चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 아침에 믿는 사람들이 이제 하기로 했어요. 근데 이제 하고 있는데 아무리 해도 제물을 받지 않았어요. 하고 그 남자가 너희 힘이 잠들고 있나 봐라고 했어요. 엘리야는 एक वेदी बनाई, उसने उस पर बछड़े और लकड़ी को रखा, उसने इसके इर्द गिर्द एक गड़हा खुदवाया, तब उसने इस पर तब तक पानी डलवाया जब तक गड़हा भर नहीं गया। एलियाह ने प्रार्थना की, तुरंत आकाश से आग गिरी, इसने बछड़े लकड़ी पत्थरों और पानी को जला दिया, लोगों ने दंडवत किया और पुकारा प्रभु परमेश्वर है। 그래서 기도를 했어요. 그랬더니 갑자기 하늘에서 불이 내려왔어요. 그 다음에 물까지 परमेश्वर ने यह प्रमाणित करने के लिए आकाश से क्या भेजा कि वो अकेला परमेश्वर है?
여기도 해주고 다시 해줘야겠네요. 이제 하면 된것 같아요. 네, 하늘에서 내려온 불이란 이야기를 읽어주는데요. 재밌었나요? 그럼 다음번엔 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그럼 안녕.